अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं अस्मा गुल। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। कंद कोट के बहरान में खाद डीलर्स की लूटमार और ब्लैकमेलिंग उरूज पर है। सारा सारा दिन खाद की तलाश में फिरने वाले किसानों और जमींदारों ने कंद कोट खाद डीलरों और इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुल वहीद से। जी अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हम घटाघर चौक पे, यहाँ खाद की बहरान की वजह रेट कम नहीं हो सके हैं। यहाँ मौजूद हैं कुछ शहरी, सदर अक्रम बाजकानी, मजीद जानते हैं इसका क्या कहना है। वो खड़े हैं, जहाँ भी खाद का इंफॉर्मेशन मिलेगा वो पब्लिक को हम दिखाएंगे कि ये खाद कंकोट में पहुँचा है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट मिलकर आपकी खाद खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये कारोबार जो है, इसकी दुकानदारी हम किसी सूरत में चलने नहीं देंगे। इसको बार खराब करेंगे, कोर्टों में जाएंगे, रोडों पे आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, हर सतह की जो एहतियात के तरीके हैं सब अपनाएंगे, लेकिन इसको ऐसे हम करने नहीं देंगे। सुने इनका कहना है डीसी साहब को, खुदा रहा हम पे राम किया जाए, काश्तकारों को कुछ रिलीफ दिया जाए और रेट कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुल वहीद, कश्मीर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 7।